तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहां तख्त नशी था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहां तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। वो दौर था साल 1886 का, जब शिकागो में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान मजदूरों पर गोलियां बरसा दी गई। लेकिन इस घटना के बाद पूंजीपतियों के जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हो गई। तब मशहूर दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने एक नारा दिया, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। उसके बाद मजदूरों की क्रांति ने पूंजीवाद की जड़ों को हिला कर रख दिया। मजदूरों की ताकत ने दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरानों को झुकने पर मजबूर कर दिया। अब फिर से इतिहास ने करवट ली और वही काम भारत में किसानों ने कर दिखाया। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर एक साल से ज्यादा का वक्त गुजारने के बाद किसानों ने क्या कुछ नहीं देखा। जाड़ा, गर्मी, बरसात, पुलिस के डंडे, पानी की बौछार और एक से बढ़कर एक मुकदमों की मार झेलते हुए किसानों ने अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण बनाए रखा। एक तरफ किसान अपनी जिद पर अड़े रहे तो वहीं सरकार भी अड़ियल बनी रही। लेकिन जिन किसानों को बीजेपी और नेताओं के साथ साथ स्टूडियो में बैठे एंकर और एंकराओं ने आतंकवादी, खालिस्तानी और मवाली करार दिया था, लेकिन सरकार उन्हीं किसानों के आगे सिर झुकाकर उनकी मांगे मानने के लिए मजबूर हो गई। किसानों ने मोदी सरकार की अकड़ भी तोड़ दी और घमंड भी। अब किसान बेहद खुश है और अपने खेत खलिहान गांवों की तरफ देख रहे हैं। किसान अब लौटने के लिए तैयार है, लेकिन किसानों के आगे क्यों झुक गई मोदी सरकार और आखिर किसानों ने मोदी सरकार का गुरूर कैसे किया चूर चूर, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी आप प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। किसानों का दिल्ली बॉर्डर पर 378 दिन से चल रहा आंदोलन आखिरकार अपने कामयाब अंजाम तक पहुंच गया। किसानों का सिर फोड़ने वाली सरकार अब किसानों के आगे सिर झुकाए खड़ी है और कह रही है कि माई बाप आपका हुक्म सिराखों पर। किसानों ने लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता के गुरूर में चूर हुक्मरानों की ऐसी की तैसी करके रख दी। संयुक्त किसान मोर्चा ने बीते साल 26 नवंबर से चल रहे किसान आंदोलन को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। 11 दिसंबर से किसान धरना स्थल से हटना शुरू कर देंगे। सरकार से बातचीत के लिए बनाई गई 5 सदस्यीय कमेटी के सभी सदस्यों के साथ योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। किसान नेताओं ने कहा कि वे 11 दिसंबर से अपने घर लौटना शुरू कर देंगे। 15 जनवरी को एक बार फिर वे हालात का जायजा लेंगे और अगर केंद्र सरकार ने वादा पूरा नहीं किया तो फिर ये आंदोलन करेंगे। यानी मोदी सरकार किसानों की मांगे मानकर जहां अपनी मुसीबत कम करने का जश्न मना रही है, वहीं किसान भी सरकार की हर नब्ज को टटोल रही है और सरकार को ये बता रही है कि हम केवल आंदोलन रोक रहे हैं और अगर सरकार अपनी जबान पर कायम नहीं रहती आंदोलन फिर से शुरू हो जाएगा। नवंबर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेते हुए किसानों से माफी मांगी थी, जिसे संसद के जरिए वापस कर लिया गया। कानून वापसी की बात से ही ये सवाल चारों तरफ से उठ रहा था कि किसान अभी क्यों धरने पर बैठे हैं। लेकिन एमएसपी की गारंटी समेत किसानों की तमाम मांगे मानने के बाद किसानों ने आंदोलन को खत्म करने का ऐलान कर दिया। घर वापस लौटने के लिए पंजाब के 32 किसान संगठनों ने अपना कार्यक्रम भी बना लिया है, जिसमें 11 दिसंबर को दिल्ली से पंजाब के लिए विजय मार्च निकाला जाएगा। सिंघू और टीकरी बॉर्डर से किसान एक साथ पंजाब के लिए वापस रवाना होंगे। 13 दिसंबर को पंजाब के 32 संगठनों के नेता अमृतसर में दरबार साहिब में मत्था टेकेंगे। उसके बाद 15 दिसंबर को पंजाब में तकरीबन 113 जगहों पर लगे मोर्चे खत्म कर दिए जाएंगे। हरियाणा के 28 किसान संगठन भी अलग से रणनीति बना चुके हैं। अब सुनिए कि सरकार ने कृषि कानून वापस लेने के बाद किसानों की कौन कौन सी मांगों को मानने में आनाकानी कर रही थी, जिसे अब मान लिया गया है। सबसे पहली बात एमएसपी की। एमएसपी के लिए केंद्र सरकार कमेटी बनाएगी, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि लिए जाएंगे। अभी जिन फसलों पर एमएसपी मिल रही है वो जारी रहेगी। एमएसपी पर जितनी खरीद होती है उससे भी कम नहीं किया जाएगा। फिर मुद्दा आता है किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमे। हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार कैसे वापसी पर राजी हो गई है। दिल्ली और दूसरे केंद्र शासित राज्यों के साथ साथ रेलवे के जरिए दर्ज किए गए मुकदमे भी फौरन वापस होंगे। अब बात करते हैं इस आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों की, जिनके मुआवजे की मांग किसान कर रही थी।
मुआवजे पर भी उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार की सहमति बन गई है। पंजाब सरकार की तरह ही यहां भी 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। किसान आंदोलन में लगभग 700 से ज्यादा किसानों की मौत का दावा किया जा रहा है। अगला मुद्दा है बिजली बिल का। बिजली संशोधन बिल को सरकार सीधे संसद में नहीं ले जाएगी, पहले उस पर किसानों के अलावा सभी संबंधित पक्षों से चर्चा होगी, इसके बाद प्रदूषण कानून की बात कर लेते हैं। प्रदूषण कानून को लेकर किसानों को सेक्शन 15 से आपत्ति थी, जिसमें किसानों को सजा जुर्माने का प्रावधान है, इसे भी केंद्र सरकार हटाएगी। केंद्र सरकार ने इस बार सीधे संयुक्त किसान मोर्चे की 5 मेंबर्स हाई पावर कमेटी से मीटिंग की। इस कमेटी के मेंबर बलबीर राज्यपाल, गुरनाम चढ़ूनी, अशोक धावले, युद्धवीर सिंह और शिव कुमार कक्का दिल्ली के ऑल इंडिया किसान सभा के ऑफिस पहुंचे, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के अफसर भी जुड़े। सबसे बड़ा पेंच केस पर फंसा था, जिसे तत्काल वापस लेने पर केंद्र सरकार सहमत हो गया। तो इस तरह से किसानों ने सरकार को झुकने पर मजबूर ही नहीं किया, बल्कि सरकार से कानून रद्द भी करवाया और फिर अपनी एक एक मांग को पूरा किया। अब सुनिए वो मजबूरी जिसकी वजह से सरकार को किसानों के आगे झुकने में ही भलाई नजर आई। दरअसल अगले साल उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में चुनाव होने जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड में किसानों का दबदबा बरकरार है। अगर किसानों का आंदोलन खत्म नहीं कराया जाता तो किसान भाजपा को किसी भी सूरत में ना तो चुनाव लड़ने देते और ना प्रचार। कई पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में किसान बीजेपी के नेताओं को उन्हीं के घरों से निकलने नहीं दे रहे थे, लेकिन अब किसानों की मांगे मानने के बाद बीजेपी चैन की सांस ले रही है। 1 साल से ज्यादा वक्त चला गया, किसान आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। दिल्ली बॉर्डर पर कड़ाके की ठंड, भीषण गर्मी और बारिश के अलावा आंधी में भी डटे रहे। इस दौरान कई किसानों की मौत हुई, जिन्हें संयुक्त किसान मोर्चा ने शहीद का दर्जा दिया है। अब इस आंदोलन से देश के बेरोजगारों को भी सबक सीखना चाहिए। अगर मुत्तहिद होकर एक आंदोलन नहीं करेंगे तो ऐसे ही धक्के खाते रहेंगे। और फिर चलते चलते आखिर में अहमद जावेद ने भी क्या खूब फरमाया है, खबर नहीं है मेरे बादशाह को शायद, खबर नहीं है मेरे बादशाह को शायद, 1000 मरतबा आजाद ये गुलाम हुआ। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को, हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।